सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं सुमन सिंह और आप देख रहे हैं सुमन सिंह गैलरी। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं आपाजी फेस्ट, जो बनस्थली में एक साल पे लगता है आपाजी के बर्थडे पे। तो कल था हमारा कल्चरल नाइट और आज हमारा फेस्ट का फर्स्ट डे है। तो चलो मेला घूमने चलते हैं। तो गाइस, ये हॉस्टल में मैंने रंगोली बनाई है। तो गाइस, हम हॉस्टल से निकल के मेले के लिए जा रहे हैं और मेले में हम झूला झूलेंगे। तो हमारे साथ बने रहना। तो गाइस, अभी हम तीनों हॉस्टल से निकल के जा रहे हैं लक्ष्मीबाई मैदान, जहाँ पे झूले लगे हुए हैं, स्टॉल्स लगा हुआ है। लेकिन पूरे रास्ते में आप देख सकते हो कि बनस्थली के पूरे रास्ते को सजाया जाता है लाइट से, सेल्फी पॉइंट से, जहाँ पे लड़कियां सेल्फी ले सकती हैं। रात में भी ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो उसकी भी मैं वीडियो डाल दूंगी, तो उसको भी देख लेना। और पिछले साल का भी वीडियो मैंने डाला है, तो उसको भी देखना चाहो तो देख सकते हो। तो ये हमारा बनस्थली का मेन रोड है, जिसपे हम आते जाते हैं, जिसपे बसेस चलती है, गाड़ियां चलती है। तो इसको बहुत अच्छे सजाया गया है। और एक यहाँ पे मोड़ है चौराहा, वहां पे आप देख सकते हो कि ये कितना सुंदर सा पंडाल बनाया हुआ है छोटा सा। तो गाइस, हमारा आपाजी फेस्ट पूरे 3 दिन के लिए होता है। फर्स्ट डे होता है हमारा कल्चरल नाइट और उसी दिन रात को लाइट्स ऑन हो जाती हैं। सेकेंड डे हमारा 24 नवंबर, जिस दिन आपाजी का जन्म हुआ था, उस दिन मेन मेला होता है, दिन का भी और रात का भी। और उसके बाद 25 नवंबर को रात को भोज होता है और दिन में मेला होता है 5 बजे तक। तो अभी हम पहुंचे नहीं है, अभी जा रहे हैं रास्ते में, क्योंकि हमारा हॉस्टल और लक्ष्मी मैदान बहुत बहुत दूर है, इसलिए भी जा रहे हैं। और आप देख सकते हो रास्ते किनारे किनारे साइड में इतनी सारी डेकोरेशन हुई है, सेल्फी पॉइंट्स बने हुए हैं जहाँ पे लड़कियां फोटो क्लिक करा रही हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल गेट बना हुआ है रेनबो थीम पे। और इस घोड़े को देखो कितना प्यारा है ना, कितना सुंदर सा, बहुत सुंदर लग रहा था ये रियल में, पूरा चमक रहा था। और रात में ये और ज्यादा खूबसूरत लग रहा था जब इस पर लाइट्स पड़ रही थी तब। और ये दोनों पीछे सेल्फियां ले रही हैं और मैं अपना ब्लॉग बना रही हूँ अकेले। और आप देख सकते हो कि कितना सजावट हुआ है, लाइट्स लगी हुई हैं। लाइट्स तो रात में ज्यादा प्यारी लगती हैं, पर दिन का भी मजा कुछ अलग ही है। तो आप देख सकते हो ये जो सीक्वेंस वाली जो टेंट है, ये हमारे भोज के लिए पंडाल बन रहा है, जहाँ पे हम जाके भोज करेंगे। और आप देख सकते हो कि कितने सारे सेल्फी पॉइंट्स रखे हुए हैं, जहाँ पे लड़कियां फोटो क्लिक करा रही हैं। रात में भी बहुत ज्यादा भीड़ होती है और ये सारे के सारे टेंट जो है पीछे वाले, ये भोज के लिए ही है। तो गाइस, ये है मेले का मेन गेट जहाँ पे हम एंटर करेंगे और इसके आगे ही कुटीर है। और ये है मेले में जाने का रास्ता, जहाँ पे वार्डन्स खड़ी होती हैं ड्रेस चेक करने के लिए, क्योंकि वेस्टर्न कपड़े अलाउड नहीं थे, बट लड़कियां घुस जाती हैं इसके अंदर से चुपके। और ये हमारा लक्ष्मीबाई मैदान, जहाँ पे मेला लगा हुआ है, झूले लगे हुए हैं। और ये छोटा सा पंडाल जहाँ पे हमारे फाउंडर, उनकी वाइफ, उनके बेटे और आदित्य भैया और शांता बाई और दिवाकर भैया का फोटो लगा हुआ है। और आप सजावट तो देख ही सकते हो कि कितना सुंदर हुआ है और कितना बड़ा पंडाल लगा हुआ है, पूरा स्टॉल्स लगे हुए हैं दूर दूर तक और ये झूले लगे हुए हैं। तो हम यहाँ पे आते ही सबसे पहले झूला झूलने के लिए आ गए, तो जिस पे कम भीड़ थी उस पे जा रहे हैं। तो अभी हमारे ये जो राइट झूला है वो उस पे कम भीड़ थी, तो उस पे जा रहे हैं हम, टिकट ले लिए और लाइन में लग चुके हैं। तो आप देख सकते हो कि कितना भीड़ है, क्योंकि यहाँ पे बनस्थली की लड़कियां सारी, स्टाफ मेंबर्स और आसपास के जितने भी गांव हैं वहां के लोग आते हैं। तो हम अपनी फर्स्ट राइड स्टार्ट कर चुके हैं ड्रैगन पे।
तो हम अपनी पहली राइड करके अब हम लाइन लगा ली है झूले के लिए जो कि है बोट झूला। पर ये इतना ज्यादा लंबा लाइन है कि हम खड़े हो रहे हैं यहाँ पे, आधे घंटे से खड़े हुए हैं, फिर भी हम बस आधा ही जा पाए हैं। तो देखो मेरे पीछे कितनी बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है, जबकि हम बहुत पीछे थे और आगे भी उतनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो फाइनली हम बोट में आके बैठ चुके हैं। भाई साहब जब बोट ऊपर जाती है तो डर नहीं लगता, बट जब नीचे आती है तो ऐसा लगता है कि पूरा ग्रेविटी फोर्स यहीं पे लग गई और कहीं लगेगी। तो आप देख सकते हो कि हमारा बोट स्टार्ट हो चुका है। तो पहले तो धीरे धीरे लेके जाते हैं दोनों साइड और लास्ट में एकदम ऊपर कर देते हैं, एकदम हम टेढ़े हो जाते हैं और फिर अचानक से आता है नीचे और फिर सामने साइड जो बैठे होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं। तो अभी हम गाइस झूला झूल के नीचे आ चुके हैं। मेरे पास पूरी वीडियो नहीं है क्योंकि फोन गिर जाती, इसलिए मैं बैग में रख ली थी। तो एक बार फिर से आप हमारा ग्राउंड देख लो, तो इस साइड है झूला और इस साइड सारे, इस साइड से लेके उस तक, फिर वहां से आगे तक, फिर इधर तक सारे स्टॉल्स हैं, फिर इस साइड है बच्चों का झूला। एंड गाइस आपको इस स्टॉल में खाने पीने के साथ साथ कपड़े, जूते, ज्वेलरी, पर्स, बैग सब कुछ का मिल जाएगा सामान। तो अभी हम खा पी के यहाँ से निकल जाएंगे, फिर रात को आएंगे। तो प्लीज रात की भी वीडियो देख लेना और इस वीडियो को भी लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को शेयर कर दो। और पुरानी वीडियो भी आपको मिल जाएगी लास्ट ईयर की अपाजी की। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ हॉस्टल इसी रास्ते से जिस रास्ते से आई थी। अब मैं जाके रेडी हो जाऊंगी रात के लिए और फिर रात में तैयार होकर हम वापस मेले के लिए आएंगे और झूला झूलेंगे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।